नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। करेले के नाम से जो है सभी को लगता है कि करेले की सब्जी है तो कड़वी होगी, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो कभी भी ये कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है करेले, ये कोई 5 से 6 करेले हैं। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे से धो लेंगे, मैंने धो लिए हैं, और इसके दोनों साइड के जो सिरे हैं वो काट लेंगे। और अगर आप चाहो तो करेले की जो स्किन होती है ऊपर से, उसको भी पीलर की हेल्प से रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। और इस तरह से जो है पतले पतले स्लाइसेस में हम इसे गोल गोल आकार में काट लेंगे। इस सब्जी को हम जो है फ्राई करके बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, मैंने सारे करेले को इस तरह से गोल आकार में काट लिया है, और इसके जो सकत बीज है वो हमें साइड कर देने हैं, क्योंकि करेले खाने में मज़ा नहीं आएगा अगर ये जो बीज है बीच में रहेंगे। तो इसको मैंने हटा दिया है। इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून नमक लूँगी, सादा वाला जो नमक आता है, और इन करेलों पर अच्छे से मिला लूँगी और करेलों को जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये इसलिए करना होता है क्योंकि इससे जो है करेले का कड़वापन दूर होगा। और इसे आधे घंटे के लिए मैं ढक के इस तरह से छोड़ दूंगी, और तब तक मैं जो है टमाटर और लहसुन को प्यूरी कर लेती हूँ। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा तो करेले जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। तो इसे मैं जो है हाथों की हेल्प से अच्छे से निचोड़ दूंगी, क्योंकि पानी जो है करेलों ने नमक की वजह से छोड़ दिया है। तो इससे जो क्या होगा, इससे जो इसका कड़वापन है वो बिल्कुल चला जाएगा। तो इसे अच्छे से निचोड़ के मैं करूंगी, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से, ये देखिए पानी जो है अलग हो चुका है, और इसके बाद मैं इसे नलके के नीचे यानी टैप के नीचे धो लूंगी अच्छे से 2-3 बार। और उसके बाद जो है हमें इसे फ्राई करना है तेल में। थोड़ा सा हमें हल्का सा जो है 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए करेलों को, ताकि थोड़ा सा पानी जो है सूख जाए। और इसके बाद कढ़ाई गरम कर ली है मैंने। कढ़ाई को गरम होने के बाद जो है इसमें डाला है सरसों का तेल, क्योंकि मैं इसे जो है सरसों के तेल में बनाऊंगी। और करेलों को जो है सबसे पहले हमें फ्राई करना है। तो देखिए, तेल पहले हमें गरम होने देना है जब तक जो है ये स्मोकिंग पॉइंट तक ना आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे करेले जो हमने काट के रखे हैं, और इसे हमें जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे जो है हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें करना है। करेले जो है क्रिस्पी हो जाने चाहिए, और इसमें जो है 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए, करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसे निकालूंगी प्लेट में टिश्यू पेपर में, ताकि जो है इसका ऑयल जो है वो एक्सेस ऑयल जो है टिश्यू पेपर सोख ले। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई में हमें जो है तड़का तैयार करना है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा। इसे 10 से 15 सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, जो प्याज मैंने यहाँ पे लिया एक बड़े साइज का लिया, और इसे मैंने चक्कू और टुकड़ों में बड़ा बड़ा काट लिया है। आप चाहो तो पतले पतले लंबे स्लाइसेस भी कट कर सकते हो। तो इसके बाद मैं इसे करूंगी फ्राई। फ्राई जो हमें करना है, इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे करेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच जो है रेड चिली पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हल्दी वगैरह मैंने इसमें डाला है, इनकी जो कच्ची स्मेल है वो करेलों में नहीं आनी चाहिए। तो 10-15 सेकंड के लिए इसे भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो मैंने टमाटर प्यूरी करके रखे थे वो, और लहसुन भी इसी में प्यूरी करके रखा है, और ये जो बारीक कटा हुआ जो ये अदरक मैंने इसमें डाला है, आप चाहो तो उसे भी कद्दूकस या फिर पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसमें डाला है। इसके बाद हम इसे जो है 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि करेलों में हमें पहले भी मैंने डाला था जब हमने उसे जो है रखा था थोड़ी देर, तो इसलिए ध्यान से डालें। और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर,
और एक जो है हरी मिर्च डाली है इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट के। मेरे जो यहाँ मैंने जो टमाटर लिए थे वो देसी थे, थोड़ा सा खटास थी उसमें, तो इसलिए मैंने जो है अमचूर पाउडर थोड़ा कम डाला है। अगर आप जो है टमाटर थोड़े लंबे वाले लेते हैं जिसमें खटास नहीं होती है तो अमचूर आप ज़्यादा डालें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो आप देख सकते हो टमाटर ने जो है तेल छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए करेले। इस तरह से अगर आप करेले बनाते हो तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आप ज़रूर इसे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा घर पे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करूँगी। आप इसे चपाती परांठे के साथ खा सकते हो और टिफ़िन में भी दे सकते हो। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है पका लेंगे। पके तो करेले पहले से ही है, पर थोड़ा सा जितने भी जो मसाले डाले वो अच्छे से करेले में लिपट जाए और उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए करेलों में। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके, मैंने ढक्कन खोल दिया और अच्छे से मिक्स करके इसमें धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे रोटी के साथ, चपाती नान के साथ खा सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।